अब हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे, 49,000 को डिवाइडेड बाय 3 किया, 21,000 को डिवाइडेड बाय 2 किया, तो 49,000 डिवाइड बाय 3 16,333, 21,000 डिवाइड बाय 2 10,500। अब 16,333 और 10,500, इन दोनों में से लोएस्ट कौन सा? तो इन दोनों में से लोएस्ट है 10,500, जो इन दोनों में से लोएस्ट हो। तो इन दोनों में से लोएस्ट है 10,500, ठीक है। अब ये जो लोएस्ट आया 10,500, मतलब दो ही अमाउंट है, एक 16,333 और एक 10,500। तो इन दोनों में से लोएस्ट है 10,500। इस 10,500 को ए के रेशियो के साथ, मतलब 3 के साथ, और बी के रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 10,500 मल्टीप्लाई बाय 3, वो यहाँ पे सेकंड पेमेंट में आएगा। मतलब लोएस्ट अमाउंट को वापस मल्टीप्लाई कर दो, पहले डिवाइड करो अपने अपने रेशियो के साथ। मेरी भाषा याद रखना, डिवाइड करने का अपने अपने रेशियो के साथ, इसको डिवाइड बाय 3, इसको डिवाइड बाय 2, फिर जो लोएस्ट आए उसको मल्टीप्लाई करने का सबके साथ। मेरे शब्द याद रखो, डिवाइड करने का अपने अपने रेशियो से, फिर जो लोएस्ट आए उसको मल्टीप्लाई करने का सबसे सबके साथ। तो 10,500 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 10,500 मल्टीप्लाई बाय 3 31,500, यहाँ पे इक्वल टू 10,500 मल्टीप्लाई बाय 2 21,000। अब 21,000 माइनस 21,000 ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 49,000। मैं इसमें माइनस साइन लगा दूं, माइनस 31,500 और इसमें भी माइनस 21,000, ठीक है। अब इक्वल टू सम फ्रॉम 49,000 टू 31,500। अब ए का बैलेंस बचा 17,500, बी का बैलेंस बचेगा 0, बी का बैलेंस बचेगा 0, बी का बैलेंस बचेगा 0 और सी का पहले से ही 0 था। यहां तक हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आपको ये पूरा एक लाइन में याद करना हो ये पूरा कैलकुलेशन, तो आप ऐसे बोल सकते हो, सबको डिवाइड करने का अपने अपने रेशियो के साथ, फिर जो लोएस्ट आए उसको मल्टीप्लाई करने का सबके साथ। डिवाइड अपने अपने रेशियो के साथ, फिर लोएस्ट वाले को मल्टीप्लाई सबके साथ। अब ये जो पीछे वाला पोर्शन है पूरा, जो रफ वर्क था उसको भूल जाओ, ये जो पूरा रफ वर्क था इसको भूल जाओ। अब आगे वाले जो तीन कॉलम है वो हमारे काम के हैं, ओके। ये कॉलम्स हमारे काम के हैं। अब हम लोग पैसा पे करना स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स को, कैसे? सबसे पहले फर्स्ट पेमेंट 17,500 मिस्टर ए को पे करेंगे, फिर मतलब सबसे पहले हम ए को पे करेंगे 17,500, फिर सेकंड पेमेंट में हम लोग ए और बी को साथ में पे करेंगे। अब इन दोनों का टोटल कर दो, इन दोनों का टोटल होता है 52,500, तो हम ए और बी को साथ में पे करेंगे 52,500, और थर्ड पेमेंट में हम लोग तीनों को पे करेंगे साथ में 21,147, तो ये होता है 42,000। तो अब ए को सबसे पहले क्यों पे करेंगे उसका लॉजिक बता दूं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू पीएनएल रेशियो, अकॉर्डिंग टू पीएनएल रेशियो ए का कैपिटल सबसे ज्यादा है, तो हम सबसे पहले ए को पे करेंगे। फिर ए और बी का दोनों का ज्यादा है, तो ए और बी दोनों को पे करेंगे। फिर तीनों का कैपिटल इक्वल हो जाएगा, तो तीनों को साथ में पे करेंगे। एक बार पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो और थियरी भी समझ में आएगी, एक बार मेरे पास नंबर्स आ जाएंगे तो समझाने में और मजा आएगा। अब फर्स्ट पेमेंट में मेरे को पे करना है मिस्टर ए को 17,500, ये हमारा फर्स्ट पेमेंट ए 17,500। अब मेरे को ए को पे करना है 17,500। अब हम अपनी मेन स्टेटमेंट में वापस आ जाएंगे, मेरे को ए को पे करना है 17,500, मैं यहाँ पे साइड में लिख के रखता हूँ, ए को पे करना है 17,500, लेकिन मेरे पास पैसा पड़ा है 2,800, तो पैसा कम है, तो फिलहाल हम ए को 2,800 पे कर देंगे और ए को बोलेंगे कि बाकी का पैसा बाद में। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में थे हमारे पास पैसे बच गए 2,800, ये ए को दे देंगे, लेस एड टू मिस्टर ए। अच्छा, हमको पे कितना करना था 17,500, इतना पैसा हमारे पास है नहीं, हमारे पास कितना पैसा पड़ा है 2,800,
ठीक है, क्योंकि 60,300 था, उसे दे 50,500 क्रेडिटर्स को दे दिया, बाकी 2800 पड़े, ये 2800 हम लोग ए को दे देंगे। तो 2800 हमारा कैश बैलेंस भी कम हो जाएगा, मतलब इंस्टॉलमेंट का पैसा भी कम हो जाएगा, और ए का कैपिटल भी 2800 कम हो जाएगा। आगे फिर हम देखेंगे कि बाकी कितना पैसा बचा, बी को कितना पैसा पे किया, कुछ भी नहीं, सी को कितना पैसा पे किया, कुछ भी नहीं। अब हम देखेंगे बाकी कितना बैलेंस बच गया, तो हमारे पास कैश बच जाएगा जीरो, क्रेडिटर्स ऑलरेडी जीरो था, क्रेडिटर्स पहले ही खत्म हो गए थे। अब ए का जो कैपिटल था 70,000 था, उसने हमने 2800 पे कर दिया ए को, बाकी ए का बैलेंस 67,200, बी का बैलेंस 35,000 था, उसने कुछ भी पे नहीं किया, तो बाकी 35,000 सेम, सी का बैलेंस 7,000 था, उसने कुछ भी पे नहीं किया, तो बाकी 7,000 सेम। ओके, अभी तक भी मेरे को याद है कि हम लोगों को ए को टोटल पे करना था ये वाला 17,500, ठीक है, ये अमाउंट याद रखना 17,500, कहीं ना कहीं पे साइड में रफ पेज पे लिख के रखने का, हमको पे करना है ए को 17,500, याद रखना। ओके, नेक्स्ट, सेकंड इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गई। जब सेकंड इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाए तो यहां पे आपको बैलेंस के बाद एक या दो लाइन छोड़ देने का, ये जब जीरो हो जाए तो दो लाइन जितना छोड़ दो, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट। अब हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो देखते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना था, थर्ड इंस्टॉलमेंट नेट अमाउंट क्या थी। ये थर्ड इंस्टॉलमेंट हमारा ये वाला, अब थर्ड इंस्टॉलमेंट की नेट अमाउंट थी 74550, ये 74550, ये हमारे बहुत काम का है 74550, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट 74550, ठीक है। अब आपको याद होगा हम लोगों को मिस्टर ए को पे करना था 17,500, उसमें थे हम लोगों ने 2800 पे कर दिए, बाकी का पैसा अभी पे करेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट में, तो मैं लिखूंगा लेस पेड टू मिस्टर ए, कितना हमको पे करना था 17,500, उसमें से 2800 हम पे कर चुके हैं, बाकी पैसा हम अभी पे करेंगे, तो 17,500 माइनस 2800 बाकी पैसा बचता है 14,700, 17,500 पे करना था, उसमें से 2800 हम पे कर चुके हैं, बाकी बचा 14,700, 14,700 हम अभी पे करेंगे, तो 14,700 हमारे कैश बैलेंस में से भी माइनस हो जाएगा और 14,700 हमारे ए के कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा, दोनों जगह से 14,700 माइनस, इतना कैश भी हमारा कम हो जाएगा और इतना ए का कैपिटल भी कम हो जाएगा, बाकी किसी को कुछ नहीं, क्रेडिटर्स को कुछ नहीं, बी को कुछ भी नहीं, सी को कुछ भी नहीं, 14,700 थर्ड इंस्टॉलमेंट में से माइनस और 14,700 मिस्टर ए में से माइनस। अब देखते हैं रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची, अब रिमेनिंग अमाउंट मतलब बैलेंस, यहाँ पे कैश का बैलेंस कितना बचा, 74550 में दे 14,700 पे कर दिया, बाकी कैश बचेगा 59850, क्रेडिटर्स जीरो, यहाँ पे ए का कैपिटल था 67,200, उसने दे 14,700 हमने पे कर दिया, बाकी ए का बैलेंस बचेगा 52,500, बी को कुछ भी पे नहीं किया 35,000 सेम आएगा, सी को कुछ भी पे नहीं किया तो 7,000 सेम आएगा, तो यहाँ पे 35,000 सेम रहेगा, यहाँ पे भी 7,000 सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों ऑब्वियसली अगर आप ये दोनों अमाउंट ऐड कर दोगे 2800 और 14,700, मतलब 2800 और 14,700 ऑब्वियसली इन दोनों को प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा 17,500, मतलब पहले हमारे पास पैसे ही 2800 पड़े थे तो वही पे करेंगे, बाकी का पैसा हम लोगों ने थर्ड इंस्टॉलमेंट में दे पे कर दिया, तो 17,500 मिस्टर ए वाला जो फर्स्ट पेमेंट था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग सेकंड पेमेंट में जाएंगे,
अब हम लोग वर्किंग नोट्स में देखेंगे सेकंड पेमेंट क्या है। तो वर्किंग नोट्स में सेकंड पेमेंट देखेंगे क्या थे। ये हमारा सेकंड पेमेंट 31,500 ए को और 21,000 बी को। अब इन दोनों को ऐड करके 31,500 ए का और 21,000 बी का, इन दोनों को ऐड करके टोटल होता है 52,500। कितना होता है? 52,500। तो मैं देखूंगा हमारे पास पैसा कितना पड़ा है। ओके, बहुत अच्छा, हमारे पास पैसा 52,500 से ज्यादा है। अगर पैसा 52,500 से ज्यादा है तो हम पूरा 52,500 एक साथ पे कर सकते हैं। अगर कम होता तो कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाती। जब आएगा तब बताऊंगा। अभी हमारे पास पैसा कितना पड़ा है? 59,850। मतलब हम लोग रईस है, हमको पे कितना करना है? 52,500 ए और बी को कंबाइन करके, तो हम साथ में पे कर सकते हैं। अभी पे कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बैलेंस ऑफ कैश ज्यादा है और हमको पे करना है 52,500, तो हम पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस पेड टू मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, पेड टू मिस्टर ए एंड मिस्टर बी 52,500 हमने पे कर दिया। ठीक है, अब 52,500 हमारे कैश बैलेंस में से भी माइनस हो जाएगा और ए और बी के कैपिटल में से भी माइनस होगा। कितना मैं आपको बता दूं, ए का सेकंड पेमेंट है 31,500, बी का 21,000। 31,500 और 21,000, 31,500, 21,000, 21,000, सी को कुछ भी नहीं। ठीक है, और क्रेडिटर्स को कुछ भी नहीं। तो हमको पे करना था ए और बी को कंबाइन करके 31,500 और 21,000, तो ये 52,500 हुआ। हमारे पास पैसे ज्यादा पड़े थे इसलिए हमने 52,500 एक साथ पे कर दिए। अब नया बैलेंस, नया बैलेंस, तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू 59,850 माइनस 52,500। पहले हमारे पास इतने पैसे पड़े थे 59,850, उसे थे 52,500 पे कर दिया हमने, बाकी बचा 7,350 और ए में पहले ए का बैलेंस था 52,500, उसे थे 31,500 हमने पे कर दिए, तो ए का बैलेंस 21,000। ए का पहले बैलेंस इतना था 52,500, उसने थे 31,500 पे कर दिया, बाकी 21,000। बी का बैलेंस था पहले 35,000, बी का बैलेंस था पहले 35,000, उसने थे 21,000 पे कर दिया, बाकी 14,000। सी का बैलेंस था पहले 7,000, उसने थे 0 पे किया, तो 7,000 सेम। अब इतना पैसा हमारे पास बच गया 7,350। फर्स्ट पेमेंट आपको याद होगा 17,500 था, इसको और इसको मिला के 17,500। सेकेंड पेमेंट आपको याद होगा इन दोनों को मिला के 52,500 था। फर्स्ट पेमेंट और सेकेंड पेमेंट हो गया। आपने देखा कि पूरी देर हमको यही स्टेटमेंट काम आई, पूरी देर हमको ये वर्किंग नोट ही काम आया। सबसे पहले 17,500 काम आया, फिर ये 31,500 और 21,000 काम आया। अब हम थर्ड पेमेंट करेंगे, मतलब थर्ड पेमेंट में तीनों लोग एक साथ हैं, 21,000, 14,000, 7,000। अब इन तीनों को 21,000, 14,000, 7,000, इन तीनों को एक साथ पे करना है, ए बी सी तीनों को एक साथ पे करना है। अब एक रूल बताता हूँ, बहुत लेंदी है क्वेश्चन, मुझे पता है बहुत लेंदी हो रहा है, बट थोड़ा ध्यान दो, सुनते रहो। एक और रूल सुनो, जब से लेकर ये थर्ड पेमेंट करनी हो, जब से लेकर ये थर्ड पेमेंट करनी हो, तो ये वर्किंग नोट को, ये स्टेटमेंट को, वर्किंग नोट वाली स्टेटमेंट को देखो ही नहीं। इस पूरी स्टेटमेंट को भूल जाओ, ये पूरी जो वर्किंग नोट वाली स्टेटमेंट है इसको भूल जाओ। जब से लेकर थर्ड पेमेंट करनी हो तब से लेकर ये स्टेटमेंट काम की नहीं है। फर्स्ट पेमेंट में ये स्टेटमेंट काम की है, सेकंड पेमेंट में ये स्टेटमेंट काम की है, थर्ड पेमेंट में ये स्टेटमेंट काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी से लेकर जितना भी पैसा हमारे पास पड़ा होगा 7,350 या इसके बाद भी जितना भी कैश हमारे पास आएगा, वो हम तीनों पार्टनर्स में पीएनएल रेशियो में
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पैसा ज्यादा हो, पैसा बहुत ज्यादा हो या पैसा बहुत कम हो, हमको पीएनएल रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसलिए अभी वर्किंग नोट हमारे काम का नहीं है, अभी लिखेंगे हम लोग लेस पेड टू ऑल पार्टनर्स। तो 7350 में दे, 7350 माइनस हो जाएगा तो बाकी बैलेंस बचेगा जीरो। 7350 में दे, 7350 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये 7350 हम तीनों पार्टनर्स को देंगे, तीनों पार्टनर्स के पीएनएल रेशियो में। तो पहले यहां पे आएगा 7350 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 6, मतलब पीएनएल रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। तो 7350 का 3/6, फिर यहां पे आएगा 7350 इंटू 2/6, और यहां पे आएगा 7350 इंटू 1/6, ठीक है। तो 3675, मैं सिर्फ एक माइनस साइन लगा देता हूं, 3675, 2450 और 1225, इन तीनों को टोटल मिला के 7350 होना चाहिए। मतलब जो हमारे पास पैसे पड़े थे 7350, वो हमने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 3:2:1 में। अब नया बैलेंस निकालेंगे हम लोग एबीसी का, एबीसी का नया कैश का बैलेंस जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो 7350 थे वो हमने पार्टनर्स को दे दिए। अब यहाँ पे आएगा 21,000 में से हमने 3675 दे दिया ए को, यहाँ पे आएगा 14,000 में से 2450 दे दिया बी को, यहाँ पे आएगा 7000 में से 1225 दे दिया सी को, ठीक है। ये तीनों का नया बैलेंस आ गया। इसके बाद एक फोर्थ इंस्टॉलमेंट बाकी है, ये वर्किंग नोट हमने बनाया था, ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट हमारी, फोर्थ इंस्टॉलमेंट है 15750। ये जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट की नेट अमाउंट है, ये वाली 15750, ये हमारे काम की है 15750। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 15750 है, ये जो 15750 है, इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 15750। ये हमारा फोर्थ इंस्टॉलमेंट है, इस फोर्थ इंस्टॉलमेंट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में? पीएनएल रेशियो में। मैंने बोला ना, जब से लेकर वर्किंग नोट में थर्ड पेमेंट आए तब से लेकर वर्किंग नोट नहीं देखो। ये 15750 तीनों पार्टनर्स को पे कर देंगे 3/6, 2/6, 1/6। उसके बाद लास्ट में एक बैलेंस आएगा जिसको हम लोग रियलाइजेशन लॉस बोलते हैं। यहाँ पे लास्ट में जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग रियलाइजेशन लॉस बोलते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये लास्ट की 2-3 लाइन कंप्लीट करूंगा, आज नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, ये मीटिंग यहीं पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं लिखने का टाइम भी दूंगा।